प्रकृति की गोद में रहना भला किसे अच्छा नहीं लगता है। प्रकृति की गोद में रहकर जो चैन और सुकून है वो आलिशान महल में नहीं मिलता है। सड़क से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर जंगलों पहाड़ों के बीच एक गांव बसा है जो बांस पुनवा के नाम से जानी जाती है। बांस पुनवा यानी बांस का जंगल। सही मायने में देखा जाए तो बांस पुनवा गाँव के पहाड़ों में बांस बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पूरा पहाड़ बांस के पौधों से आच्छादित है। बांस की अधिकता के कारण बांस बनवा गांव के ज़्यादातर लोग करीब तोड़ने हर रोज जाते हैं। इस गांव के लोगों के अलावे आसपास के गांवों के लोग भी इस पहाड़ से करील ले जाते हैं। करील का इस्तेमाल लोग सब्जी और अचार के रूप में करते हैं। गरीब लोग इसका इस्तेमाल बेचने के लिए भी करते हैं। इधर रौता हुआ, अगर लोकैया हुआ, ओल्हारा हुआ, पिंडरा हुआ, जितने भी अगल बगल गांव हैं सभी लोग आते हैं। 4-5 गांव के लोग आते हैं। इधर टॉपिंग का भी आ जाता है, पिपरा का भी आ जाता है। गरीब लोग के लिए अच्छे एक तरह से इसी पर निर्भर करता है। जब तक करील चलता है तब तक तो उन लोग बेचता ही है, अपना गुजारा करता है। करील के अलावे बारिश के मौसम में ग्रामीण लोगों को जंगल से रुगड़ा, खुकड़ी और तरह तरह के साग और अनेक फल भी प्राप्त होते हैं। जंगल से हम लोगों को ये खुकड़ी सबके अलावा बांस मिलता है, फिर पत्ता जिसमें ये दोना सब बनाते हैं जिसको हम लोग, फिर जड़ी बूटी दवा सब मिलता है। मिरखम दो सहान सकाम अरे जो फूट फूट और छटाड़ को ओड़ा बना लगी, फिर झंडी को। ज़्यादातर हमारा आदिवासी समुदाय जंगलों में ही निवास करता है। हम जंगल से इतने जुड़े हैं कि जंगल के बिना हमारा जीवन अधूरा सा प्रतीत होता है। मैं बसंती सोरेन, गांव लोफोन टंडी, थाना मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।